हर त्योहार की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर त्योहार में हम परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा या इबादत करते हैं। कैसे? वेल, आइए देखते हैं। दिवाली है हिंदुओं का सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार, जो दर्शाता है बुराई पे अच्छाई की जीत, अंधेरे पे रोशनी की चमक और जीवन में निराशा यानी पेसिमिस्टिक थॉट्स को छोड़कर आशा की तरफ बढ़ते हमारे कदम, यानी कि जीवन में खुशियों भरे पलों का आगमन। हैप्पी दिवाली। क्या आपको पता है कि दिवाली सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 5 दिन मनाई जाती है? जी हाँ, मतलब हर दिन एक नया त्योहार और हर त्योहार का अपना अलग महत्व होता है, जिसे अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है। जैसे धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। मतलब दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है। एग्जैक्टली, धन यानी पैसा और उसका आगमन। लेकिन आम तौर पे जैसे हम सोचते हैं, लक्ष्मी जी का रिलेशन सिर्फ पैसे से नहीं होता। धनतेरस के दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा, ग्रह लक्ष्मी की पूजा लाइक रूप में करते हैं। इसलिए सोना, चांदी और बाकी एक्सपेंसिव आइटम्स के साथ साथ घर के लिए कोई भी मेटल का सामान खरीदते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस वो दिन है जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे और उसी दौरान धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर और लक्ष्मी जी हाथ में विजयंती माला लेकर धूप सागर से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए हम इस दिन को इनके जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। लक्ष्मी जी हमें धन और सुख संपत्ति प्रदान करती है और धनवंतरी वो देवी है जो हमें आरोग्य, मतलब मॉडर्न डे में कंप्लीट हेल्थ और फिटनेस से आशीर्वादित करती है। इन दिनों को सम्मान पूर्वक घर में लाने के लिए हम सभी धनतेरस के दिन घर में रंगोली बनाते हैं और रात को दिए जलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी हमें सुख और संपत्ति देती है। वैसे काफी लोग अपने ऑफिसेस को भी साफ करके उन्हें खूब सजाते हैं, क्योंकि वहां भी तो लक्ष्मी जी का निवास वाहन भी होता है। और इसी दिन समुद्र मंथन के बाद विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था, सभी देवताओं को अमृत भी पिलाया था। धनतेरस से हमें बहुत सारे फाइनेंशियल और हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। पूजा शुरू के पहले आपको बता देते हैं कि धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, यानी कि सूर्यास्त के 2 घंटे और 24 मिनट तक रहती है। घर में मंदिर में बैठकर धनवंतरी जी का केवल ध्यान करें। ओम धन धनवंतराय नमः। इस मंत्र को 108 बार प्रेम पूर्वक मन में बोलिए और देखिए आप पर धनवंतरी जी का अटूट कृपा बनी रहेगी। ओम धन धनवंतराय नमः।